75 वर्ष को लेकर एक बड़ा पूरे देश भर में एक अजीब प्रकार का माहौल बनाया गया था, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में हमारे कुछ मंत्रियों ने भी, जब उनको हटाया गया तो उन्होंने 75 वर्ष का हवाला देकर हमारा भी उल्लेख किया था। तो मुझे लगा ये ठीक नहीं है, और मुझे लगा अगर 75 वर्ष की बात आती है तो अंदर से मैं प्रसन्न था। प्रसन्न इसलिए था कि 75 वर्ष आयु पूरा करने के बाद अगर नई जिम्मेदारी लोगों को दी जाती है तो बाकी के लोगों को भी एक अवसर प्राप्त होगा, वो करें, तो हमने पहले ही ऑफर किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव होने के कारण पार्टी ने, संगठन ने सोचा कि कलराज जी को अभी रहना चाहिए। मुझे भी लगता था कि मुझे रहना चाहिए था, और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान मैंने बहुत काम किया। चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात भी मैंने स्वयं जाकर कहा था कि अब 76 वर्ष पूरा हो गया मेरा, 77 वर्ष में चल रहा हूं, आप मेरे बारे में निर्णय ले सकते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा, मैं मेरे प्रति प्रधानमंत्री जी का और अध्यक्ष जी का कितना अपनापन है उसको मैं जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। जब मैंने कहा तो दोनों नेताओं ने मुझे कहा कि कलराज जी कोई ऐसा ऑफर नहीं करता है, ये दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा, और सही माने में इट इज योर ग्रेटनेस, ये शब्द प्रयोग किया है दोनों ने। तो उससे मुझे लगा कि अपनेपन का अतिरेक है, और इसे मैंने कहा कि देखिए आप मेरे बारे में निसंकोच निर्णय लीजिए, हम कार्यकर्ताओं के हैं, कार्यकर्ता हमारा है, कलराज मिश्रा ही केवल बने रहे ये हमने कभी किया नहीं, आप मेरे बारे में निर्णय ले सकते हैं। और इसलिए जब ये रिसफल की बात आई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया था और बहुत संकोच से कहा था कलराज जी क्या करें, उन्होंने बताइए हमें, हम बिल्कुल तैयार है, कहीं आप प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा कि मैं उस पर तत्पर हूं, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े आत्मीयतापूर्ण ढंग से और भावुक होकर उन्होंने कहा कलराज जी, फिर वही शब्द प्रयोग किया था उन्होंने, कहा ठीक है, और मैंने त्यागपत्र दिया।